अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कल यानी के 20 तारीख को बागमारी कब्रिस्तान के मनो मिट्टी के अंदर दफन हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मरहूम एसएम अजहर आलम की। अजहर आलम को मरहूम कहते हुए दिल तस्लीम नहीं कर रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि वो बच्चा हमारी आंखों के सामने से इस तरह से गुजर गया। एसएम अजहर आलम को मैं बचपन से जानता हूं। एसएम अजहर आलम की पैदाइश बिहार के बरौनी जंक्शन के एक गांव बारो में हुई थी। आपकी जिंदगी की नशो नमा 26 नंबर जकरिया स्ट्रीट कोलकाता 73 में एक छोटे से कमरे में हुई। जब वो उस कमरे में था तब से मैं जानता हूँ। उनके दादा मौलाना कुरैश प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल में मालिम थे। उर्दू और फारसी के उस्ताद थे और एक आलिम थे। अक्सर वो मौलाना जमा हुसैनी साहब जब ईद की नमाज नहीं पढ़ाते थे तो उनकी जगह पर मौलाना कुरैश ईद और बकरीद की नमाज मैदान में पढ़ाया करते थे। उनके मंझले बेटे एसएम अख्तर आलम के आप साहबजादे हैं। एसएम अख्तर आलम पेशे से छोटी मोटी तिजारत करते थे। आपके 3 लड़के और 1 लड़की थी। बड़े लड़के का नाम अथर आलम, मंझले का अजहर आलम और छोटे का अंजर आलम है। और आपकी एक सबसे छोटी बहन भी है। सबकी शादियां हो चुकी हैं, सब अपने अपने घर में जिंदगी की खुशगवार सायतें गुजार रहे हैं। आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है और आपकी
वालदा बाहयात है। वालदा का क्या कहना, हम उन्हें भाभी कहते हैं और आज भी हमारी भाभी हैं, क्योंकि वह हमारे अख्तर भाई की बेगम हैं। बचपन से वहाँ जाते थे, घरेलू तरीके से हमारी उनसे एक अलग पहचान थी। बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा, मुस्कुराता हुआ, बाएखलाक, ज़िंदगी के जैसे भी उतार चढ़ाए आ हूँ उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी और हमेशा प्यार और मोहब्बत से ही पेश आती थी। हमारे हिंदी, हमारे गांव वाली भाषा में कहते हैं एक सुघड़ औरत है, घर के तमाम काज काम करती, अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए कपड़े तैयार करती, हमारी पांच बहनें थी, पांचों बहनों की शादी में उनका शिरकत रहा, हमेशा बाजार जाने के लिए वो साथ में जाया करती थी और बहुत मुफीद मशवरे दिया करती थी। वालदा जब तक जिंदा रहे उनका आना जाना लगा रहा और बहनें भी जा चुकी थीं अपने अपने घर, तो ऐसे ताल्लुकात थे। उनके चचा फख्र आलम मेरे क्लास फेलो थे, जिसकी वजह से अजहर आलम जो है वो मेरे उतने करीब नहीं रहा, जबकि हम लोग एक ही फील्ड में थे ड्रामे की दुनिया में, फिर भी एक लिहाज और शर्म था जो हम लोगों को एक दूसरे से अलग किए हुए था, दूरी बनाए हुए रखे हुए था, एक अलग तरह की इज्जत और एक अलग तरह की बातचीत थी हम लोगों के बीच। आंखें आंसू से भर जा रही हैं, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, क्या कहूं, कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब बात निकली है तो कुछ बातें बताता चलता हूं। तो अजहर आलम प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल से, जहां उनके दादा पढ़ाते थे, वहीं से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन उन्होंने मौलाना आज़ाद कॉलेज से किया और वहीं से शायद उनके ड्रामे की शुरुआत हुई है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि मुझ पर उनके वाले साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया कि बेटा राजेश तुमने बहुत बुरा काम किया है। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कभी आप लोगों के ख़ानदान के बारे में बुरा सोचा ही नहीं, सोच भी नहीं सकता, एहसान है भाभी का, नहीं तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया है, उसे ड्रामे फील्ड में अपनी तरह ड्रामे फील्ड में लेकर के चले गए हो, वो मेरा बेटा जो है मेरा हाथ से निकल गया है, तुमने उसे बर्बाद किया है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सबसे पहली बात तो मैं उसे ड्रामे में लेकर के नहीं आया, उनका शक जो है वो सही नहीं है, मैं उसे लेकर के ड्रामे फील्ड में लेकर के नहीं आया हूँ। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया, मेरा बेटा तबाह हो गया, ड्रामे लाइन में चला गया है, तो ये सोच बदलनी होगी लोगों को। ड्रामे की दुनिया वो दुनिया है जहाँ जिंदगी रूबरू होती है, जहाँ जिंदगी को हम समझते हैं, उनके दुख को, उनके सुख को, और ये जो दुनिया है उसमें जो फैली हुई बुराइयाँ हैं, इंसान के अंदर में छुपी हुई जो शैतानियत है, जिस तरह से समाज को तबाह करते हैं, जिस तरह समाज बर्बाद होता है, जिनकी वजह से हम उनके चेहरे उनके सामने लाकर रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि दुनिया ये है और दुनिया की तबाही और बर्बादी में
इन इंसानों का सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है और हमें इसे बचाने के लिए कुछ काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। लेकिन इंसान अपनी वो भयानक शक्ल को देखना नहीं चाहता, इंसान उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो ज़िंदगी के इतने करीब हो, जो जिसकी वजह से ये दुनिया तबाह और बर्बाद हो रही है और समाज में इस तरह से बुराई फैल रही है। उन बुराइयों को पर्दापोशी चाहता है, इसलिए वो दुनिया में ड्रामा करने वाले को बुरा समझता है। अगर वो ड्रामा को की हकीकत को समझ जाए कि ड्रामा है क्या, तो मेरे ख़्याल से सारी दुनिया ड्रामा करना पसंद करेगी, ड्रामे की दुनिया में आएगी और सच्चाई और हकीकत को बयान करेगी, लोगों को बताएगी और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में बहुत ही वो शानदार तरीके से हिस्सा ले सकती है। तो ड्रामा वो शय है जिसके बारे में लोगों का ख्याल कि वो नाचने गाने वालों का और एक भोंडे तरीके से हंसाने वालों का, जोकर वालों का दुनिया ड्रामा की ये नहीं है। दुनिया जो ड्रामा की है वो हकीकत आपके सामने रखती है और वही हकीकत, वही बातें, वही सब चीज़ें ऐसे मज़हर आलम अपने ड्रामे में पेश करता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था ऐसे मज़हर आलम की, बात थोड़े ड्रामे की हो गई। खैर, ऐसे मज़हर आलम की मेरे ख्याल से ड्रामे की शुरुआत जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज के एक फंक्शन से हुई। वहाँ के एनुअल फंक्शन में कोई ड्रामा होना था, ड्रामा जो चुना गया उसमें एक हीरोइन भी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस ज़माने में मौलाना आज़ाद कॉलेज जो है वो को एडुकेटेड नहीं था, जिसकी वजह से हीरोइन की परेशानी थी कि हीरोइन का काम किरदार कौन करेगा, कैसे होगा। तो अज़हर आलम को चुना गया और अज़हर आलम ने उस रोल को करने के लिए हामी भरी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने एक हीरोइन के किरदार को अदा किया। ड्रामा बहुत ही मकबूल हुआ, अज़हर आलम की बहुत ही जय जयकार हुई, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसी ग्रुप में जमा हबीब साहब भी थे जो अभी बम्बई में बहुत अच्छे सीरियल के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, बहुत सारे अच्छे मकान में लिख रहे हैं। उनके साथी थे जो उनके हीरो थे, उन्हें भी उतना ही अफसोस हुआ है जितना हम लोगों को अफसोस हुआ है, क्योंकि उनका साथी, उनका उनकी पहली हीरोइन उनसे दागे मुआरफत दे गई है। तो दोस्तों, मौलाना आज़ाद से निकलने के बाद आपने एमए की डिग्री जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हासिल किया, वहाँ आप यूनियन में भी रहे, साथ में वहाँ पर आपने यूथ जो हिंदी उर्दू ड्रामे स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको लेकर के एक यूथ का ग्रुप बनाया और यूथ ड्रामा फेस्टिवल में आपने हिस्सा लेना शुरू किया और 2 साल तक लगातार कई ड्रामे पूरे हिंदुस्तान में यूथ फेस्टिवल जहाँ जहाँ होता था आप ड्रामा करने जाते थे और बहुत ही मकबूल होते थे, बहुत ही अच्छी उनकी पजीराई होती थी, काफ़ी नाम रोशन उनका हुआ था उस ज़माने में। उसी ज़माने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक ड्रामा कंपटीशन हो रहा था जिसमें मैं और प्रताप जायसवाल एज ए जज वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें अज़हर आलम का ड्रामा भी पेश किया गया था और इत्तेफाक़ से अज़हर आलम के ड्रामे को अव्वल इनाम हासिल हुआ था। अज़हर आलम ड्रामे तो कर ही रहे थे, उन्हीं ड्रामे में 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उस पर एक ड्रामा जो है ज़हीर अनवर साहब ने लिखा और उसे पेश भी किया। बाद में अज़हर आलम ने उस ड्रामे के तकरीबन 50-60 शोज बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे कलकत्ते में नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर उस ड्रामे को पेश किया, जिससे उनकी मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हुआ। ड्रामे का नाम था ब्लैक संडे। तो मेरी अभी तक उनसे ऐसी कोई पहचान नहीं बनी थी कि एज एन एक्टर मैं उसे अपने ड्रामे में काम कर रहा था, मैं
ड्रामे करता था, मैं हिंदी ड्रामे कर रहा था, अदाकार अनामिका और संगीत कला मंदिर वगैरह में मैं ड्रामे करता रहता था, और वो कभी कभी आया भी करते थे, देखा भी करते थे। उसी ज़माने में उनके दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया था, कलकत्ता एक्शन ग्रुप। उस वक्त उन्होंने एक दो ड्रामे किए, और शुरुआती ज़िंदगी में ही सैयद हैदर अली, जो कलकत्ता एक्शन ग्रुप के सरपरस्त थे, सब कुछ करने वाले थे, राइटर भी थे, हिदायतकार भी थे, और उन्होंने मुझको रुजू किया कि दो सियासी ड्रामे हैं और मैं चाहता हूं कि वो ड्रामे आप जो है हमारे लिए डायरेक्ट करें। मैंने हामी भर ली, सिलेक्शन हुए आर्टिस्टों के। एक ड्रामे का नाम था कश्मीर की बाहों में, और दूसरे का नाम था भारत में महाभारत। बहुत ही खूबसूरत प्ले लिखा था उन्होंने, सियासी, और बहुत ही मतलब कहते हैं कि सियासी ड्रामे करते वक्त बहुत सारे ख्याल रखने पड़ते हैं कि कहीं लफ्जिश ना हो जाए और कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी ड्रामे में कश्मीर की बाहों में उन्होंने मेरी मुलाकात असर आलम से हुई, जो उसको एक किरदार निभा रहा था, उसने बहुत ही खूबसूरती से निभाया। उसमें एक उसका डेथ सीन था, उसकी गोली लगती है और वो सीढ़ी के ऊपर से जो है लुढ़कता हुआ नीचे आता है, गिरता है, तो वो एक बहुत ही डेंजरस सीन था वो, क्योंकि वो जो सीढ़ी थी वो तिरछी थी, और तिरछी सीढ़ी से गिरना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसने कहा नहीं सर मैं करूँगा। और उसने जो उस किरदार को जिस तरीके से निभाया, मैं तो सोचा कि उसे कहीं ना कहीं हाथ पैर में ज़रूर चोट लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसने इतनी उसमें जान पैदा की थी, इतनी की थी कि लोग जो है उसको देखने के लिए बेचैन हो गए। जी हाँ, बहुत तो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट के अंदर जो कला होती है, जो फन होता है, वो छुपता नहीं, वो अपने आप जाहिर होता है, किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे नज़र आया कि ये फनकार ऐसा फनकार है कि एक दिन इसकी जो है बहुत ही रोशनी फैलेगी और ये बहुत तरक्की करेगा। घर से हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, ऊपर मैं रहता था, नीचे ये रहते थे, लेकिन वो जो थी वो दूरियां एक बनी हुई थी कि मैं उसके चचा का दोस्त हूँ और वो मेरे भतीजे की तरह है, इसलिए वो दूरियां वो कायम रखता था, वो इज्जत कायम रखता था। उसके बाद एक हुजूम थिएटर मेरा हुआ करता था उस ज़माने में, तो उसके लिए मैं एक ज़हीर अनवर का एक ड्रामा इंसाफ खेलने जा रहा था, मैंने उसको कास्ट किया, उसने हामी भर ली, और उसमें भी उसने एक किरदार को निभाया। बहुत ही खूबसूरत प्ले था, बहुत ही अच्छा प्ले था, और उसमें उसने बहुत ही उम्दा अदाकारी भी की थी। इस तरह से दो ड्रामे में मेरा और उसका साथ रहा, और उस ड्रामे के ज़रिए मुझे पता चल गया था कि ये शख्स बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी को उसमें इस तरीके से ढाल लेगा कि ज़िंदगी और ड्रामा दोनों यकजा हो करके एक रूह और एक जान बन जाएंगे, ये इसका मुझे इल्म नहीं था। कलकत्ता एक्शन ग्रुप से निकल करके उसने अपना एक ग्रुप कायम किया था जिसका नाम है लिटिल थेस्पियन, जिसका ऑफिस जो है इसी 26 नंबर जकरिया स्ट्रीट के ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे है, जहाँ उसकी ज़िंदगी की नशोनुमा हुई थी। तो फिर लिटिल थेस्पियन के वो ड्रामे पेश करने लगा और वो ड्रामे मकबूल भी होते रहे, काफ़ी मेहनत करता रहा। एक दिन रास्ते में जकरिया स्ट्रीट में मेरी मुलाकात हुई, तो उसने कहा मैं थोड़े सा परेशान हूँ, एक ड्रामा उर्दू में खोज रहा हूँ। तो बोले यार ज़हीर अनवर है, कमाल अहमद है, और भी लोग हैं उनके ड्रामे। बोले नहीं मैं किसी और दूसरे तरीके के ड्रामा करना चाह रहा हूँ, उनके ड्रामे तो मैं खेलता रहता हूँ। तो
कोई ऐसा नाम बताइए जिसको मैं पेश कर सकूं, देख सकूं। हम बोले एक हाजर का ख्वाब है। नहीं, और कुछ बहुत अच्छा प्ले है मैं जानता हूं, लेकिन हाजर का ख्वाब नहीं बल्कि कुछ और खेलना चाहता हूं जिसमें अपने गांव की मिट्टी हो, अपने गांव का माहौल हो, अपनी अपने हिंदुस्तान की जान उसमें नज़र आए। मुंशी प्रेमचंद दिखे या आपके राजेंद्र सिंह बेदी दिखे, और इस तरीके की जो कहानियां हैं मैं ऐसी कहानियों पर काम करना चाह रहा हूं। तो हमने कहा कि ठीक है, असल में क्या है कि देखो मुझे एक ड्रामा बहुत पसंद है और मैं उसे खेलना भी चाहता हूं, लेकिन उसमें 3-4 या 5 लड़कियाँ हैं और मेरे पास इतनी हीरोइनी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक है कि उर्दूदान तबका के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उर्दू जानने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको ड्रामे से कोई रगबत नहीं है, क्योंकि घर से उनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उर्दू वाले जो लोग हैं वो उनका ताल्लुक मुस्लिम कौम से है, इसलिए मुस्लिम कौम में ड्रामे को इतना गिरा हुआ समझा जाता है, और उसमें और लड़कियों को काम करने के लिए देना बहुत ही मायूब समझा जाता है, जिसकी वजह से हीरोइनों की हमें हम लोगों को आज तक कमी का एहसास होता रहता है और हमें दूसरी कौमों से ही काम चलाना पड़ता है, उन्हीं से लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि ड्रामा की ना तो कोई कोई मज़हब होता है, ड्रामा की ना कोई ज़बान होती है, ड्रामा खुद से अपनी एक ज़बान बोलता है, ड्रामा की अपनी ज़बान होती है, और वो इशारों से, वो मौसीकी के ज़रिया, वो लाइट के ज़रिया, वो खामोशी के ज़रिया बहुत सारी बातें कहता है। ड्रामा सिर्फ मुकालमे का नाम नहीं है, किसी ज़ुबान का नाम नहीं है। तो दोस्तों मैंने कहा कि वो असल में क्या है कि मुझे बहुत पसंद था, अगर तुम चाहो और तुम्हारे पास लड़कियां हों तो एक ड्रामा है बलवंत गार्गी जी का, जिसका तर्जुमा जालंधरी जी ने किया है, मुझे बहुत पसंद है। उस ड्रामे का नाम है लोहार। तो मैंने वो किताब उसे दिलवाई और उसने पढ़ा, फिर उसको जो है उसने खेला भी, उसे भी पसंद आया, और ड्रामा जो है मेरे ख़्याल से वही ड्रामा उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बना। उसमें जो उसने सेट लगाए जिससे पूरा गांव दिखता था, पंजाब की खुशबू उसमें नज़र आ रही थी, मौसीकी मरहूम ऐन रशीद खान साहब ने दी थी, उसकी लाइटिंग का जवाब नहीं था, सेट डिज़ाइनिंग का जवाब नहीं था, और अदाकारी में भी किसने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी, और तमाम किरदार जो है जिंदा जावेद दिखाई दे रहे थे, और वहीं से उसकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा शुरू हो गया। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से एक ड्रामे पेश किए, बेशुमार ड्रामे पेश किए, गेंडा तो उनका बहुत ही मकबूल ड्रामा है, आजकल अभी उन्हें रूहें पर इनामात से उनको नवाजा गया है, बहुत ही अच्छे ड्रामा निगार है, बहुत ही अच्छे हिदायतकार है, बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, लेकिन वो वाहिद एक ऐसा शख्स था जिसने हम लोगों ने, ज़हीर अनवर ने भी अपने ग्रुप बनाए थे, शर्जील आर्ट्स, कमाल भाई ने बनाया था फनकार, मैंने भी बनाया था हजूम, लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपने ग्रुप को रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बस ड्रामा करना है और ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि उर्दू में ड्रामा होना चाहिए और उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे और उस काम में हम लोग लगे हुए भी थे। लेकिन अज़हर आलम ने सही रास्ता चुना और उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने ग्रुप को उसने रजिस्टर्ड किया, और साथ ही साथ वो मुराद जो एक ड्रामा ग्रुप को हासिल होना चाहिए उसकी कोशिश किया, और इत्तेफाक से गवर्नमेंट ने वो मुराद भी उसे दी, और बेहतरीन ड्रामों का उन्होंने एक बड़ा भंडार कायम कर दिया। मंटू हो,
के मुंशी प्रेमचंद हो, उनके अफसाने और दूसरे बहुत सारे अफसाने, मौजूदा दौर के अफसाने, उन तमाम अफसानों को उन्होंने ने ड्रामाई शक्ल दी और वो वाहिद उर्दू ड्रामा ग्रुप है या हिंदी ड्रामा ग्रुप है जो लगातार 7-8 साल से ड्रामा फेस्टिवल कराता आ रहा है और 3 साल से लगातार उन्होंने उर्दू ड्रामा कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो अभी हाल में ही उन्होंने ड्रामा फेस्टिवल का जो उनका जिसने बहारा हुआ करता था वो अख्तिताम पज़ीर हुआ, उसके बाद वो कोरोना के शिकार हो गए और हम लोगों को दाग मार्फत दे गए। तो ये सफ़र था उनका ज़िंदगी का, बहुत सारे ड्रामे पेश किए गए उनका। खैर, उनके आखिरी ड्रामे से पहले मैं आपसे बात कर लेना चाहता हूँ कि एक और वाकया हो गया ये कि अपनी ड्रामा के कलीग रफ़ीक जो उनके ड्रामे में बराबर शरीक रहा करती थी उमा झुनझुनवाला, उनसे आपका इश्क हो गया और आपने शादी की ठान ली कि मैं शादी उनसे करूंगा। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं उमा से शादी करना चाहता हूँ। हमने उसे समझाने की कोशिश की, जो चूँकि मेरा फैमिली ताल्लुक था उनसे, घर से, उनके चाचा से, उनके भाभी को हम इतना चाहते थे। मैंने समझाने की उसे बेहद कोशिश की, जो अपने तरीक़े से था कि देखो, तुम्हें एमए करवाया, आज तुम प्रोफेसर हो मौलाना आज़ाद कॉलेज में, भी तुम्हारे अपॉइंटमेंट हुआ, पहले दार्जिलिंग में थे वहाँ भी तुमने ड्रामे वगैरह किए, और उनकी भी अपनी तो कोई ख्वाहिश है, आरजू है, जिसने अपने बेटे को इतने प्यार से इस मुकाम तक पहुँचाया है, वो चाहते हैं कि अपने बेटे का सेहरा देखे और वो अपने हिसाब से अपने घरेलू तौर पर अपने ज़िंदगी को गुजार करके तुम्हारी शादी अपने ख़ानदानों में करवाना चाहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि तुम अपनी वालदा की बात मान लो और ये इश्क के दरवाज़े को बंद कर दो। खैर, जो जहाँ तक होता था, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपता, वो तो आज़ाद होता है, वो जब इश्क सवार हो चुका होता है तो उस वक्त हर चीज़ जो है वो छोटी नज़र आती है। अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने झुनझुनवाला से शादी कर ली। उमा झुनझुनवाला उनकी शरीक हयात भी हैं और उनकी रफ़ीक हयात भी हैं, ड्रामों में बराबर की शरीक है, हमेशा उनके साथ ड्रामे करती आई हैं, हर ड्रामे में उनका होना ज़रूरी है, चाहे बैक स्टेज के साथ हो, चाहे एज ए डायरेक्टर हो, चाहे एज एन एक्ट्रेस हो, वो हमेशा अज़हर के ड्रामे में नज़र आती रही और अज़हर के ड्रामे को आसमान की बुलंदी तक पहुँचाने में नो डाउट उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप एक अच्छी बीवी साबित हुई, एक अच्छी रफ़ीक हयात साबित हुई हैं और आज वो साथ, वो रूह जो एक दूसरे के लिए तड़पता था, अलहदा हो चुका है। आपके एक बेटा और एक बेटी है, अभी वो तालीमी दौर से गुज़र रहे हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक अता करे और आला से आला तालीम हासिल करने के बाद अपने माँ बाप के नाम को रोशन करे, हमारी दुआ है। उनकी वालदा बहुत ही हिम्मतवर और ताकतवर औरत है, ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने सहा है, बहुत कुछ उन्होंने किया है और उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों के साथ भी उनके ताल्लुकात उतने ही अच्छे रहेंगे जितने अच्छे अज़हर आलम के साथ रहे हैं। उनकी उनका अपना खून है, अपनी ज़िंदगी है जिसमें उनको हर वक्त अज़हर आलम के चेहरे दिखाई देते होंगे, तो ज़ाहिर बात है कि
वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी होगा। तो हम आते हैं अब आखिरी सिरे पर। उनका जब भी कोई नाटक होता था तो फ़ोन करते थे या मैसेज देते थे, फ़ोन भी ज़रूर करते थे कि भाईजान ज़रूर आइएगा मेरा ड्रामा है देखने के लिए, आपका पास जो है मैं काउंटर पर रखवा दूँगा, खाली आप अपना नाम बताइएगा, लोग आपके सामने आपका कार्ड दे देंगे। तो वो कार्ड मुझे मिल जाता था, मैं ड्रामा देखने जाता था। तो उनका आखिरी ड्रामा एंड गेम था जिसकी हिदायत उन्होंने दी। मैंने उससे कहा भी कि यार तूने इसमें हिदायत दी है लेकिन जो किरदार तुमने अपनी वाइफ को दिया है, जो जिस किरदार को तुमने लेडीज़ बना दिया है, उन्होंने वो अगर तुम करते तो वो बहुत ही अच्छा होता, मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता था, क्योंकि वो किरदार मेरे जहन पर सवार है, मैंने उसको देखा है और लेडीज़ के वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो मैं समझ रहा था कि तुम उस किरदार को कर रहे होगे लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बीवी करे, उन्होंने बहुत अच्छा किया लेकिन तुम उससे बहुत अच्छा कर सकते थे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उसने कहा कि ऐसा है कि उमा की ख्वाहिश थी कि वो इस किरदार को निभाएं, तो मैंने सारे किरदार जो है लेडीज़ कर दिए हैं और ये ड्रामा जो है फिर इस तरह से एंड गेम के जो है वो उनकी ज़िंदगी का ही एंड गेम हो गया। ये उनकी हिदायत की के तौर पर आखिरी प्ले था जो इंटरनेशनल प्ले है। उन्होंने आज तक जो भी इनामात हासिल किए, जो शोहरत हासिल की है, जो इज्जत पाई है, वो अपनी मेहनत से पाई है। उसमें उसकी खुशबू नज़र आती है, उसकी ज़िंदगी नज़र आती है, वो किसी चुराया हुआ माल दिखाई नहीं देता है कि वहाँ अंग्रेज़ी से मार लिया, वहाँ इटली से मार लिया, वहाँ फ्रांस से मार लिया, वहाँ फ्रांस से मार लिया और अपना नाम रोशन कर लिया। उसमें असर आलम नज़र आता है, वहाँ उर्दू की मोहब्बत नज़र आती है, चाशनी नज़र आती है, खुशबू नज़र आती है, अपनी हिंदुस्तानी कैफियत नज़र आती है। बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर की चीज़ें कर करके और अपना नाम रोशन कर लेते हैं और लोगों को मिला करके जो है बहुत सारे इनामात भी हासिल कर लेते, वो उनमें नहीं था, वो खालिस इंसान था और बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद उन्होंने ये सब चीज़ें हासिल की थी। जो इनामात मिले हैं उसकी मोहब्बत के मिले हैं, उसके खलूस के मिले हैं, उसके इश्क के मिले हैं, उसके जज्बे के मिले हैं, उसकी अपनी हिंदुस्तानियत पर मिले हैं, उससे अपनी उर्दू के जो खुशबू है, जो ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसे उसके ज़रिए हासिल की। उर्दू का इतना बड़ा ड्रामा निगार, उर्दू का इतना बड़ा हिदायतकार, उर्दू ड्रामा से इश्क करने वाला दूसरा शख्स अब मग़रिब बंगाल में शायद कभी नहीं आएगा जो इतना डेडिकेटेड हो कि अपनी ज़िंदगी और ड्रामे को यकजा कर दे और उसी के लिए जिए, उसी के लिए दिन रात सोचे, ऐसी शख्सियत अब नहीं आने वाली। तो दोस्तों, हम तमाम ड्रामा करने वाले लोग, तमाम कलाकार हिदायतकार उन्हें आखिरी सलाम कहते हैं। सलाम, जहां अब तुम रहो अल्लाह की पनाह में जा चुके हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को, जो नाकर्दा गुनाह हैं, उन गुनाहों को भी माफ़ करे। और तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में एक ऐसा मुकाम अता करे कि जहाँ तुम अपनी हमेशा वाली ज़िंदगी मुस्कुराते हंसते हुए गुजारते। हर शख्स को जाना है, कोई मुस्तकिल रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आया,
सबका अपना अपना वक्त लिखा है, सब अपने अपने काम करके इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। लेकिन कहते हैं मौत उसी की है जिसे ज़माना याद रखे। तो अज़र आलम की मौत एक ऐसी मौत है जिसे ज़माना, ख़ासकर ड्रामे की दुनिया कभी फरामोश नहीं करेगी। जब कभी भी उर्दू हिंदी ड्रामा कलकत्ता में, मग़रिब बंगाल में पेश किया जाएगा, अज़र आलम वहाँ मौजूद था, वहाँ मौजूद है, वहाँ मौजूद रहेगा, क्योंकि वो हमारे दिलों में हैं, हमारे दिलो दिमाग में हैं, और उसकी मेहनत और उसकी मशक्क़त और उसके जज्बे को हम टूटने नहीं देंगे। हम छोटे से जज्बे के साथ काम करते हैं, लेकिन हम इश्क करते हैं अपनी ज़बान से, हम इश्क करते हैं ड्रामा की दुनिया से, हम इश्क करते हैं ड्रामा से। तो दोस्तों, आज ये मेरा आखिरी सलाम है अपने प्यारे बच्चे, अपने उस बचपन से जिसे मैंने देखा था, जो मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ, मेरी आंखों के सामने उसने ड्रामे किए और नाम रोशन किए। मैंने 50 साल ड्रामे किए हैं, मैं ड्रामा करता हूँ, छोटे छोटे ड्रामा करता हूँ, लोगों को सिर्फ मुतवज्जे करता हूँ, मैं अपने तई उर्दू की खिदमत करता हूँ, उर्दू ड्रामा पेश करता हूँ, लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो बच्चा जो हमसे तकरीबन 40 साल छोटा था, वो मुझसे ड्रामा में 40 साल ऊपर है, मैं उसे सलाम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर अज़र को की मुलाकात आपसे थोड़ी बहुत भी हो गई है, तो बस आपसे हाथ जोड़ करके इतनी इल्तिजा है कि उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मग़फ़रत फरमाए और उसे जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम मिता करे। तो दोस्तों, ऐसे मुनासिब की अदबी दुनिया में हम ने आज आपकी मुलाकात अपने अर्दिल अज़ीज़ ड्रामा निगार, हिदायतकार, अदाकार और असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद कॉलेज शोबे उर्दू के एसएम अज़हर आलम से की है। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक एसएम राशिद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।